जय हिंद साथियों, मैं अमृता यूपीएसआई टॉपर स्वागत करती हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। आज से हम शुरू कर रहे हैं सामान्य हिंदी का नया एक सीरीज़ जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम और अन्य प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज एक नया सीरीज़ सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है हिंदी वर्णमाला। सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला में हिंदी पहले तो वर्णमाला ही जान लेते हैं। वर्णमाला क्या होते हैं? वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम होते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों की संख्या कितनी होती है? देखिए, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है और कुछ अन्य विद्वान हैं उनके द्वारा वर्णों की जो संख्या है वो 52 स्वीकृत की गई है। प्रसिद्ध व्याकरण है कामता प्रसाद गुरुजी, उनके अनुसार जो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है वो है 43। कुल वर्ण कितने हैं? 52। तीन भागों में विभाजित है ये 52 वर्ण, स्वर, आयोगवाह और व्यंजन। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसी तरह आयोगवाह कितने हैं? 2, अंग, ह। व्यंजन, व्यंजन वर्ण में भी तीन टाइप के व्यंजन होते हैं। पहले होते हैं संयुक्त व्यंजन जो कि है 4, फिर आते हैं मूल व्यंजन जो कि है 33 यानी 33, और जो तीसरा पार्ट है वो है उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, उसे आगत व्यंजन भी कहते हैं और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, इसकी संख्या है 2। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वर वर्णों की। अब स्वर क्या है? स्वर वह वर्ण है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, ठीक है। अब स्वर के वर्गीकरण की बात करते हैं। स्वर का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है। जो सबसे पहला वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे वो जिभ्या की ऊंचाई के आधार पर और मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण आज जानेंगे। तो जिभ्या की ऊंचाई के आधार पर और मुख विवर खुलने के आधार पर जो स्वर है वो 4 प्रकार के होते हैं। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? जिभ्या और मुख विवर के जो ऊपरी भाग के बीच कम से कम दूरी रहने पर जो ध्वनि का उच्चारण हो तो उसे क्या कहेंगे? समृद्ध स्वर। ये है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर क्या होते हैं? जब समृद्ध की अपेक्षा जिह्वा और मुख विवर की ऊपरी भाग की जो दूरी होती है वो थोड़ी सी अधिक हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अर्ध समृद्ध स्वर, जैसे कि है ए और ओ। तीसरा आता है विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या है? जब जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच अधिक से अधिक दूरी हो, यानी कि सबसे अधिक दूरी हो जिह्वा और मुख विवर के बीच, तो उसे हम क्या कहेंगे? विवृत स्वर। जैसे कि बड़ा आ, देखिए बड़ा आ बोलने में कितना ज़्यादा मुख खुल रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? विवृत स्वर। चौथा पार्ट आता है अर्ध विवृत स्वर। जब विवृत की अपेक्षा जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी थोड़ी कम हो, अर्धविवृत में क्या है कि विवृत से थोड़ी सी कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अर्धविवृत स्वर, जैसे कि ऐ, औ, ठीक है। ये तो बात हुई जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। अब स्वर का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे जिह्वा की स्थिति के आधार पर। देखिए, जिह्वा के तीन भाग है, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। इसी के आधार पर स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या है? जब जिह्वा के अग्र भाग को उठाकर स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? अग्र स्वर, यानी कि जीभ का जो अगला हिस्सा है, पहला हिस्सा है, उससे अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो वह कौन सा स्वर होगा? अग्र स्वर। फिर आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या है? जब जिभ्या के मध्य भाग को उठाकर स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? मध्य स्वर। और पश्च स्वर क्या होते हैं? कि जिभ्या के पश्च भाग को उठाकर उच्चारण करते हैं तो पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए।
इसी तरह मध्य स्वर, मध्य स्वर कौन से है, छोटा आ। फिर बात करते हैं पश्च स्वर की, पश्च स्वर में कौन सा आएगा, बड़ा आ। देखिए पश्च भाग जिह्वा का काम कर रहा है इसमें। फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और अ। अब हम बात करेंगे स्वर के वर्गीकरण ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठ के आकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक है अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर और दूसरा है वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जो ओष्ठ का आकार है गोल ना रहकर ऊपर नीचे फैल जाता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर। अवृत्तमुखी में देखिए आप गोल ना होकर ऊपर नीचे फैल रहा है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, इसमें देखिए ओष्ठ का आकार गोल नहीं हो रहा है तो ये क्या है, अवृत्तमुखी स्वर। दूसरा प्रकार क्या है, वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार गोल हो जाता हो, जैसे कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आगत स्वर। देखिए इसमें ओठ की आकृति क्या हो जा रही है, गोल हो जा रही है, तो ये क्या है, वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। अब हम बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं, यानी कि उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। इसे हम एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। इसे हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। फिर बात करते हैं हम, देखिए जो ह्रस्व स्वर है या लघु स्वर है इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर क्या होते हैं, मूल स्वर। और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं संयुक्त स्वर, इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्यों इसे संयुक्त स्वर कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो दीर्घ स्वर की जो रचना होती है वो दो लघु स्वर को मिलाकर होती है, जैसे बड़ा आ जो होता है छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनता है, तो इसे हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए कि मात्रा के आधार पर जो स्वरों का सर्वप्रथम विभाजन किया था पाणिनि ने अपने अष्टाध्याय में किया था, ठीक है। ये हो गई बात उच्चारण के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अब बात करते हैं उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान, कौन से स्थान से आप बोल रहे हैं, तो एक होता है उच्चारण का स्थान, कितने प्रकार के हो सकते हैं, 6 प्रकार के उच्चारण स्थान हो सकते हैं। पहला है कंठ स्वर, यानी कि गले से आपकी आवाज़ आए, कंठोष्ठ, गला और ओष्ठ से जो आवाज़ आ रही है उच्चारण हो रहा है तो उसे कंठोष्ठ स्वर कहेंगे। तीसरा प्रकार है ओष्ठ स्वर। चौथा है कंठ तालव्य स्वर। पांचवा है तालव्य स्वर और छठा है मूर्धन्य स्वर। तो कंठ स्वर कौन कौन से है, छोटा आ और बड़ा आ, ये कंठ स्वर है। देखिए गले से उच्चारण हो रहा है तो ये कौन से स्वर हो जाएंगे, कंठ स्वर। फिर बात करते हैं कंठोष्ठ स्वर। कंठोष्ठ कौन से होंगे, ओ और औ, इसमें कंठ और ओठ दोनों का प्रयोग हो रहा है तो ये क्या, कौन से स्वर हो जाएंगे, कंठोष्ठ स्वर। फिर ओष्ठ स्वर जिसमें ओठ का से भी यूज़ हो रहा है वो कौन से, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। फिर आता है कंठ तालव्य स्वर जिसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता हो, ए, ऐ। पांचवा आता है तालव्य स्वर जो हम अपने तालु से बोलते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ये कहाँ से बोली जा रही है, तालु से उच्चारण हो रहा है इसका। फिर आता है मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर कौन से है, री, जो कि मूर्धा से आपके आपका जो जिह्वा है वो टकरा के आवाज़ बाहर आ रही है तो ये कौन सा है, मूर्धन्य स्वर। एक बात और कर लेते हैं अयोगवाह वर्ण की। अयोगवाह क्या होता है, जो योग ना होने पर भी साथ रहे उसे अयोगवाह कहते हैं।
जो हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा को अयोगवाह कहा जाता है। जो अंग है इसे अनुस्वार कहते हैं और जो आहा है इसे विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार और ये जो विसर्ग है ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये स्वर और स्वरों के सहारे चलते हैं। इनका उपयोग स्वर और व्यंजन दोनों में होता है। अब स्वरों के कुछ अन्य महत्वपूर्ण वर्गीकरण जान लेते हैं। एक आता है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास मुख तथा नाक दोनों से बाहर निकले तो उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जैसे चंद्रबिंदु की मात्रा जो होती है उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है अनुनासिक स्वर को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं निर अनुनासिक स्वर। जब किसी स्वर के उच्चारण में श्वास केवल मुख से बाहर निकले तो उन्हें निरनुनासिक या अननुनासिक स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? छोटा से लेके औ तक, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ो, ए ऐ ओ औ, यह है निरअनुनासिक स्वर। अब बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण स्वर कंपन के आधार पर। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर कंपन का उपयोग होता है उन्हें सघोष स्वर कहते हैं, और अगर स्वर कंपन का उपयोग ना हो तो उसे अघोष स्वर कहते हैं। प्राय सभी जो स्वर है वो सघोष है। उसके बाद वर्गीकरण होता है, उसके बाद का जो वर्गीकरण है वो है मुख से वायु की मात्रा के आधार पर। मुख से कितनी वायु की मात्रा निकल रही है उसके आधार पर स्वर अल्पप्राण स्वर होते हैं और महाप्राण स्वर होते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उन्हें अल्पप्राण, और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उन्हें महाप्राण कहा जाता है। तो जो सभी स्वर है वो अल्पप्राण है। आज हमने पूरा क्लासिफिकेशन जाना, पूरा वर्गीकरण जाना स्वरों के बारे में। स्वरों का वर्गीकरण हमने पूरा देखा, स्वर क्या है सारी चीज़ें जानी, वर्णमाला क्या है सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अयोगवाह और व्यंजनों का वर्गीकरण। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।